हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अपन एमपी जीके विद साइंस के क्वेश्चन। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। टॉप को 100 क्वेश्चन है। तो अभी वो दौर चल रहा है जहां मैं अपने आप को खुद के सपनों को काबिल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो क्या सभी अपने अपनी लाइफ में ऐसे एक संघर्ष करते हैं? उसी टाइप से मैं भी एक संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी अपनी लाइफ में एक संघर्ष कर रहे हो। सबकी लाइफ में संघर्ष रहता ही है। कोई किस टाइप से संघर्ष कर रहा है, कोई किस टाइप से संघर्ष कर रहा है। तो आइए अगर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को जो मक्खन चाकू वटर नाइफ के नाम से जाना जाता है, तो जो सीजियम रहता है, इसे क्या इसमें वटर नाइफ में क्या कम धार रहती है, तो इससे क्या जो सीजियम रहता है उसे आसानी से काटा जा सकता है। और चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो वो सोडियम रहता है, उसे आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी का एक उदाहरण है, तो जो सहजीवी का एक उदाहरण क्या है, लाइकेन जो क्या है, जो लाइकेन जो है जो सहजीविता का सहजीव का उदाहरण है। परमाणु संख्या Z' के बराबर है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटोन की संख्या, परमाणु संख्या Z' के बराबर है, तो परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटोन की संख्या के बराबर है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं होती, तो जो पानी और जो द्रव, ये क्या सब एक है, पर जो ऊर्जा है वो क्या एक पदार्थ की अवस्था नहीं है। जेट विमान जो उत्सर्जन करते हैं उनसे एरोसेल प्रदूषण होता है, वे किसके कारण होता है, जो फैलो कार्बन के कारण, क्या एक जिससे उत्सर्जन, जैसे जो जेट एयर रहते हैं जो हवा में उड़ते हैं, तो उससे भी एक प्रदूषण होता है, उससे क्या कौन सा कहते हैं, फैलोर कार्बन एक प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का मिश्रित धातु में उपस्थित होती है, तो नहीं होती, तो जो निकल रहता है वो मिश्रित धातु में उपस्थित नहीं रहता है। चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर उसके वजन से संबंध में कितना होता है, तो 1.6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, तो जैसे जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसे कम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो जो कपड़े से बने थैले रहते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, स्टील कांच या बॉक्स के प्रयोग करने चाहिए, और जो प्लास्टिक कूड़े का उठाना, ये क्या है? इसके उपयोग करना चाहिए जो मदद करते हैं, जो प्लास्टिक प्रदूषण को फैलाने में कम करते हैं। किस प्रकार के विभाजक जड़ों एवं तनों में वृद्धि करने वाले भाग विद्यमान रहते हैं, तो जो शीर्षता एवं पर्शक विभाजी दोनों ही रहते हैं, ठीक है, जो विभोजक जड़ एवं तनों में वृद्धि का भाग रहते हैं, तो जो शीर्षता एवं पर्शक विभोजक दोनों ही रहते हैं। कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है, सी से कार्बन, और कॉपर का क्या है, सी यू, और सी आर किसका है, यह है इसका है केरोमिनियम का क्या है, सी आर, और कोबाल्ट का क्या है, सी ओ, और सी ए का किसका है, केलोमिनियम का क्या है, सी ए। टाइटेनियम किसका रासायनिक प्रतीक है, टी आई का किसका प्रतीक है, टाइटेनियम किसका प्रतीक है टी आई का रासायनिक प्रतीक है। मानव कान में ध्वनि उपस्थित वास्तु रूप में पैरामीटर द्वारा अनुभव किया जा सकता है, तो अविरत तीव्र तरंग, इनके द्वारा क्या, जो ध्वनि की उपस्थित वस्तुओं को रूप में पैरामीटर में अनुभव किया जा सकता है, अविरत एवं तीव्रता तरंगे। मैं कौन सा थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, पीवीसी क्या है थर्मोप्लास्टिक है। और 33 में ग्रेवा क्षेत्र की कितने बांटता है, तो ग्रेवा की संख्या कितनी होती है, 7। ग्रेवा की संख्या कितनी होती है, 7। जब कोई कीट के द्वारा जानवर को किसी बीमारी के रूप में कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बैक्टीरिया जनित रहते हैं, जैसे एक जानवर में हुआ वह दूसरे जानवर में फैल गया, तो उसे क्या, कौन सी बीमारी कहते हैं,
उसे बैक्टीरिया कहते हैं। और गर्भाग की संख्या कितनी होती है? 7। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है? तो दूषित जल से कौन सा होता है? जो हैजा रहता है वह दूषित जल से होता है, और जो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। पर्यावरण को परिवर्तित करने के अनुकूल की क्षमता क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहती है? अनुकूलन। जो पर्यावरण में परिवर्तन में अनुकूल उपस्थिति में क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। आधुनिक आवर्त प्रणाली में द्रव्य एवं धम स्तंभ में समूह के क्षैतिज पक्ति जिन्हें आवर्त सारणी कहते हैं उसे क्या कहते हैं? 18 से 7। 18 से 7 जो कि एक आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के मुख्य कारण है? तो जो हेपेटाइटिस, क्या हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो जैसे जो एक सुई इसको चुबा के दूसरे इंसान में वही सुई चुबा दी जाती है तो उसे क्या हेपेटाइटिस रोग हो सकता है, जो दवाई की सुई रहती है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ के नाम से क्षेत्र में परिभाषित करता है? तो जो अनुच्छेद संघ के नाम और क्षेत्र में परिभाषित करता है वह अनुच्छेद वन। पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की लिखी थी जीवन और मिशन के लेखक कौन है? तो पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी थी, ये उनके ऊपर लिखी थी जीवन और मिशन के लेखक कौन थे? इसका धनंजय खीर क्या है, जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने जीवन और मिशन, ये किसने? धनंजय खीर ने लिखी थी। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बीपी मंडल, जो दूसरा वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। बीपी मंडल ये क्या है? ये दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। जो दूसरा जो ओजोन संरक्षण है वो किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी ये किस भाषा से? तो जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी वो किस भाषा में लिखी? तो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख उद्योग का हिस्सा नहीं है? तो जो 8 प्रमुख उद्योग है उसमें ऑटोमोबाइल का हिस्सा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख उद्योग का हिस्सा नहीं है, तो जो ऑटोमोबाइल है वो क्या उसका प्रयोग का प्रमुख हिस्सा नहीं है। शैलाकृत वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बरार की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन एवं शिलालेख पुरानी गुफाएं हैं। तो जो शैलालेख वास्तुकला के बारे में कौन सा सत्य है? बरार की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी शैलाकृत गुफाएं हैं। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वी प्रथम वीर के नाम से भी किसे जाना जाता था? नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नदियों में धुनी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेनगंगा पर क्या धुनी बांध स्थित है? बेनगंगा पर क्या है कि जो धुनी बांध है वो बेनगंगा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालक संगठन के लिए आता है? तो कृषि एवं पशुपालक के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है? 48। अनुच्छेद 48 क्या कृषि एवं पशुपालन के लिए अंतर्गत आता है। विश्व आदिवासी दिवस अद्रभूमि दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी मान्यता? तो इसे कौन से 2 फरवरी को दी गई थी। कानपुर में वैश्विक पर्षयंत्र मामले की आंदोलन के नेताओं के खिलाफ किया गया था, तो ये किसके किया गया था? असहयोग आंदोलन। जो कानपुर में वैश्विक पर्षयंत्र मामले की आंदोलन के नेतृत्व के खिलाफ किया गया था तो असहयोग आंदोलन किया गया था। एतबा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, तो एतबा मलिक एक क्या गोल्फा से संबंधित हैं। जो एतवेस मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं वे गोल्फा से संबंधित हैं, मलिक गोल्फा। और नंदन ब्लॉक छपाई नाम से रंगीन का जो कपड़े रूपकलंक सुंदर के व्यवस्था को उपयोगी करते हैं तारापुरा प्रदर्शित है। तो जो तारापुरा क्या महाराष्ट्र में, पर इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए कह दिया था। तो ये जो नंदना ब्लॉक छपाई नामक रंगीन कला जो कपड़ों पर की जाती है मध्य प्रदेश में की जाती है। नंदना ब्लॉक छपाई
और जो तारापुरा कहाँ है ये महाराष्ट्र में, पर उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। फरवरी 2022 में किसे मध्य प्रदेश को आयोजित विद्युत स्थित FSDC में 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो निर्मला जो सीतारमण हैं इन्होंने 2022 में मुंबई में FSDC की अध्यक्षता की थी। जुलाई में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA के बल रक्षा एक लॉन्च किया? तो जो सर्वानंद सोनेवाल है इन्होंने किया था, जो IIA में बल रक्षा ऐप लॉन्च किया था, भारतीय आयुर्वेद संस्था। झगासा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो इगासा उत्सव है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। इगासा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेत GI Tag में हासिल करने वाला सर्वाधिक GI Tag कहाँ किस राज्य को मिले? तो सर्वाधिक GI Tag मिले केरल राज्य को। सबसे ज़्यादा GI Tag किसने प्राप्त किए? केरल ने। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अपनी ऊर्जा की खपत को जागरूकता पूरी तरह से हरित स्थापित करने की संचालित में 100% स्टोरन बल हवाई अड्डा। तो जो छत्रपति शिवाजी है ये अपनी ऊर्जा खपत को जो जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित सौर ऊर्जा से आधारित है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने हैं? 26, 26। ठीक है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? 26। कोहन रोग वास्तव में एक विकार है? तो जो क्या है? पाचन से संबंधित है। कोहन रोग वास्तव में एक विकार है, ये किससे संबंधित है? ये पाचन से संबंधित है। कोशिका में किस भाग में ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है? तो जो ग्लाइजिन क्रिया ये उसके अंतर्गत आती है, ग्लाइजोकिनी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के पैरों में अवस्थित नहीं होता? तो जो रेडिसिन रहता है यह पैरों में अवस्थित नहीं रहता। पैरों में क्या रहता है? फीमर हड्डी रहती है और रहती है अपना पटेला हड्डी रहती है और अपना जो अपना टीबुआ हड्डी रहती है टीबुआ करके, रेडिसन इसमें नहीं रहता। कौन सा पौधा अपनी पत्तियों को जल को संचलित करता है? तो इसमें कौन सा रहता है? ब्रेमोलिडो क्या दो पौधे रहते हैं इसे अपने पौधे से पत्तियों में संचरित करता है। सूक्ष्म पौधों जड़ों में नाइट्रोजन स्पीकरण में मदद करता है। तो जो राइजोजीनियम रहता है जो क्या सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन स्पिन के मदद करता है। कवक और जीवाणु जीवों का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैव खरपतवार बायोडिसाइटेड। किस खाद्य में प्रदेश में आम तौर पर स्पंज के रूप में कार्य किया जाता है? तो स्पंज के रूप में कार्य किसने किया जाता है? पेरीफ्रे के रूप में कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में वाष्पीकरण होता है? तो जो वाष्पीकरण होता है सबसे पहले एल्कोहल के बाद पेट्रोल के बाद पानी फिर केरोसिन तेल में। तो ये क्या वाष्पीकरण का क्रम है? एल्कोहल में फिर पेट्रोल में फिर पानी में फिर अपना केरोसिन तेल में। प्लोबैग चित्र का संबंध किससे? ग्रेफाइट से। प्लोबैग चित्र का संबंध किससे ग्रेफाइट से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो जो गुरुत्वाकर्षण है ये क्या एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है। जल में जैसे जल की आग का प्रयोग करके नहीं बुझाया जा सकता। तो जैसे विद्युत में आग लगेगी, विद्युत परिपथ में किसी में भी आग लगेगी या कार में कुछ विस्फोट होगा तो अपन क्या वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें क्या और वो मतलब बढ़ जाती है और करंट वगैरह फैल जाता है और वो तीव्रता पकड़ लेती है तो और स्पार्क हो जाते हैं उसमें। एक स्वेत शक्ति कितने वाट की होती है? तो जो 746 वाट की होती है एक स्वेत शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। सही विकल्प चुनना है। तो जैसे परासरविक ध्वनि जो मनुष्य को आश्रविक है
मानव शरीर के कान को सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक है। और जो सबसे ज़्यादा हर्ट्ज कौन सुन सकता है, तो जैसे जो हाथी रहता है वो 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। पर्वतों में वायुमंडलीय दाब को कम करने का कारण जल का कलनांक क्या हुआ है? तो जैसे जो पर्वतों में वायुमंडलीय का जो दाब कम होने के कारण क्या वहाँ का जो जो जल का कथनांक रहेगा वह घट जाता है। तीन सुरक्षा उपकरणों के नाम बताइए जिन्हें विद्युत परिपथ में क्षतिग्रस्त किया जा करने के लिए अपनी लाइट की सेफ्टी करता है। उसके लिए क्या फ्यूज रहता है, फ्यूज तार क्या अपनी पूरी जो घर की लाइट रहती है उसे बचाने के लिए, जैसे कुछ भी अचानक से जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज तार क्या टूट जाता है, इससे क्या अपना जो घर के अंदर ज़्यादा हाई पावर जो करंट आएगा वो नहीं आने देता। मीराबाई अद्भुत मानी जाती हैं, ये किस जाति के एक संत की शिष्य बनी? तो जो रविदास थे, जो मीराबाई थी, इनको क्या एक अछूत मानी जाती थी क्योंकि ये रविदास जी थे, इनकी शिष्य थी मीराबाई। और जो मीराबाई क्या कि इनकी शादी हो गई थी पर ये कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, और इनके पति खत्म हो जाने के बाद भी क्या श्रृंगार करती थी और कृष्ण को ही अपना पति मानती थी मीराबाई, अछूत मानी जाती थी क्योंकि ये जो रविदास जी थे इनकी शिष्य थी। चेतना बंगल संत और समाज सुधारक थे जिनको लोकप्रिय पंथ से थे। तो जो चेतना बंगाल थे वे किस समाज, तो जो कृष्ण पंथ से संबंधित थे। अलावार संत किसे कहा गया, श्री कृष्ण से जितने भी जो संत हुए हैं उनको अलावार कहा गया है। कृष्ण को मानने वाले संतों को क्या कहा गया, अलावार कहा गया। निम्नलिखित में से किसे भगवत गीता में फारसी में अनुवाद करने का, तो जो ये किसके शासनकाल में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था, और ये किया किसने था, तो दारा सिकोहा थे, इन्होंने क्या श्रीमद भागवत गीता जी को फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला अलावार संत थी, तो जो अंडाला थी ये क्या एक अलावार संत थी। अलावार संत किसके होते थे, श्री कृष्ण के होते थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय का शुभारंभ 2004 में हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, तो 2004 में हुआ। भगवान अहीर का संबंध किस घटना से था, तो जो चोरा चोरी की जो साजिश हुई थी, जो चोरा चोरी घटना हुई थी जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने, तो जो चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी, उत्तराखंड, ये यहाँ पे हुई थी गोरखपुर में। तो इन्होंने क्या, तो जो भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति था, इसने क्या लोगों को भीड़ इकट्ठी करी और थाने के लोगों को पिटवाया, और पिटवाने के बाद पूरा थाने को जला दिया, उनको अंदर करके और जला दिया। तो इस कारण से क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका मुख्य आरोपी कौन था, भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था, और इसे फिर फांसी की सजा दे दी गई थी। बाबर का मूल रूप से भारत में कब आया था, तो भारत जो मूल रूप से आया था ये 1526 में युद्ध हुआ था बाबर, तो ये कहाँ से आया था, तो ये फरगान से आया था। कितने देशों ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो 164 विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, 164 विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। सबसे पुराने मौजूद बैंक कौन सा है, तो सबसे पुराना मौजूद बैंक कौन सा है, SBI। SBI की स्थापना कब हुई, 1955 में, और इससे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी जिसमें 3 बैंक को मर्ज किया गया था। और इसकी सबसे फर्स्ट शुरुआत कब हुई थी, 1806 में बैंक की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को सत्याग्रह को पहली बार, तो जो महात्मा गांधी आए थे कब, 1915 को, और ये गए थे कब अफ्रीका पढ़ने के लिए, दक्षिणी अमेरिका, तो ये गए थे 1883 में, ये आए थे 1915 में, और 1917 में इन्होंने क्या चंपारण आंदोलन से सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 12 सितंबर 2022 को कोकोकाडू 2022 में अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है, तो ये कोकोकाडू करके अभ्यारण्य कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। सूफी संत का मकबरे के नाम से जाना जाता है, तो जो सूफी संत रहते हैं जो जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है बहुत ज़्यादा, तो उनकी जो डेथ हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, दरगाह। उनके जो कब्र रहती है उसको क्या कहते हैं, दरगाह।
1966 से 1969 के अवधि तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो 1966 से 1969 तक क्या ये अवकाश का काल था, अवकाश का काल था, इसके दौरान क्या कोई भी योजना नहीं चली थी 1966 से 1969 तक। राष्ट्रीय एवं नीति निर्देशक सिद्धांत का चेक की तरह है जो बैंक में सुविधाजनक जारी किया, तो ये किसने बोला था? ये बोला था के टी शाह ने ये बोला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो जो महान नलोविस मॉडल है उस पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान नलोविस मॉडल पर आधारित है। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी। भारत में योजना आयोग को समाप्त किसने किया था? तो भारत में योजना आयोग को समाप्त किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना आयोग की जगह इन्होंने क्या चलाया था? नीति आयोग। ये कब से चलाया था? 2015 से। और 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। तो 2023 में जो मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था वो कौन थे? फतेह अल सीसी 2023 की गणतंत्र दिवस RDC की परेड पर आए थे। कौन थे? फतेह अल सीसी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? मानसरोवर से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो ये माना जाता है मानसरोवर से। जो उदय भारत, जो कौन सी नदी है जिसका उदय भारत में नहीं हुआ? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उदय कहाँ से? तिब्बत से हुआ था। तो जो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। मध्य का प्रथम समाचार कब आरंभ हुआ? तो मध्य का जो समाचार पत्र है ये कब आरंभ हुआ? तो ये 1840 में हुआ, ग्वालियर में हुआ था, और ये सबसे पहले उर्दू भाषा में हुआ था। ये क्या है? वीकली था जैसे जो साप्ताहिक अखबार रहता है वह। सर्वाधिक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो सर्वाधिक क्या? हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा का प्रकाशन कब हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था? 1848 में हुआ था। मालवा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंदौर से हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित नारायण थे जो इसके संपादक थे। किसका है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मालवा से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर गजट अखबार का संपादक कौन थे? तो ग्वालियर गजट था एक मुंशी लक्ष्मी नारायण दास हैं, इन्होंने किया था प्रकाशित। मध्य का पहला मराठी पूर्वी चंदेली का प्रकाशन कब हुआ? तो ये कहाँ से हुआ था? ग्वालियर से। पहला मराठी पूर्वी चंदे का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो इंदौर से हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ है? तो ये कहाँ से? ये इंदौर से हुआ था। बरगद पार्क कहाँ पर स्थापित है? इंदौर में। बरगद पार्क कहाँ स्थापित है? इंदौर में। और बोन बैंक कहाँ है? तो वो भी इंदौर में। ईट राइट कहाँ है? तो वो भी इंदौर में। ईट राइट पहला जो ATM जो थैला है वह कहाँ है? इंदौर में। पहला ATM थैला कहाँ है? इंदौर में। और मध्य प्रदेश का पहला मानसिक समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो जो पहला मानसिक समाचार पत्रिका है नवजीवन प्रकाशन इंदौर से हुआ। नवजीवन प्रकाशन कहाँ से हुआ? इंदौर से हुआ। खेल हलचल 1915 का प्रकाशन भी कहाँ से हुआ था? इंदौर से। खेल हलचल का प्रकाशन भी 1915 से कहाँ से हुआ था? इंदौर से। और राजघाट बांध निम्नलिखित में से किस निर्माणाधीन एक है? तो जो राजाघाट है वह बेतवा नदी पर रायसेन के कुमरा गांव में। राजघाट बांध किस पर निर्माणाधीन है? तो ये कहाँ है? बेतवा नदी पर रायसेन में कुमरा गांव। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। जो पचमढ़ी में क्या है? धूपगढ़ स्थित है। और जो धूपगढ़ की सबसे ऊंचाई कितनी है? 1350। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोरागढ़ नर्मदापुरम, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1326। पहले की कितनी है? 1350। सेकंड की कितनी है? 1326। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312। ठीक है।
और पचमढ़ी में सबसे अधिक बारिश होती है वो कितनी होती है, 215 सेंटीमीटर क्या बारिश होती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म उद्यान मिले हैं, तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ मिले, धार जिले में। धार जिले में क्या है, बाघ की गुफाएं भी हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह भी कहाँ है, धार जिले में स्थित है। जबलपुर में लोकप्रिय एवं प्रमुख रबी फसल कौन सी है, तो जबलपुर में कौन सी है, जो मटर रहती है सर्वाधिक वहीं पर होती है। तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है, जबलपुर में। और माया करार का संबंध किससे, तीरंदाजी से। मुरैना की क्या प्रसिद्ध है, गजक। और सरसों भी क्या होती है, मुरैना में सबसे अधिक होती हैं। एशिया का सबसे मोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो जो सिंगरौली है उसे हम ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, वो कौन सी है, सिंगरौली। सिंगरौली क्या है, और अपने मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय पार्क हैं, 11 जो राष्ट्रीय पार्क हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, करमवीर समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने जो करमवीर समाचार पत्र का प्रकाशन किया ये सबसे पहले जबलपुर से किया। उन्होंने कब किया, 1920 में। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे बाबाई का नाम बदल के क्या कर दिया, माखन नगर कर दिया। हरिशंकर परसाई किस वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से, हरिशंकर परसाई क्या भूल गए, क्या याद रहा, ये इनकी भी रचना है और इन्हें वसुधा पत्रिका प्रकाशन किया, तो ये जबलपुर से किया था। हरिशंकर परसाई ने वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया, जबलपुर से किया था। संगीत, जैसे जो अपन को एक सही जोड़ी सम्मिलित करनी है, जैसे दमोह में क्या कर्तव्य का प्रकाशन हुआ, रतलाम में क्या चेतना, भोपाल में क्या देशबंधु, और भोपाल में कृषक चेतना भी कहाँ से, भोपाल से स्टार्ट होती है कृषक चेतना, और चेतना कहाँ से होती है, रतलाम से। भोपाल में देशबंधु के नाम से पत्रिका प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश में माधव राव स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, भोपाल में। मध्य प्रदेश के माधव राव स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। पंचायती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो जो पंचायती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, भोपाल से। और स्पोर्ट्स इंजरी कहाँ, वेंटर कहाँ से, तो ये हमीदिया हॉस्पिटल से स्पोर्ट्स इंजरी का प्रकाशित हुआ। फूड फेस्टिवल कहाँ, तो जो फूड फेस्टिवल है ये भी कहाँ, भोपाल में आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन एवं फूड एटीएम भी कहाँ है, तो वो भी भोपाल में। एन आई ए थाना भी कहाँ है, भोपाल में। एन आई ए थाना कहाँ है, भोपाल में। वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, गुना से। वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, गुना से। रतलाम क्या है, रतलाम में क्या, आवेग। और खंडवा में क्या है, अक्षित पत्रिका। रतलाम में क्या, आवेग पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और खंडवा में क्या, अक्षित पत्रिका का प्रकाशन हुआ। वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, गुना से। मध्य प्रदेश के रेल सेवा का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। तो रेल सेवा का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र कहाँ कब स्थापित हुआ, तो ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, 1964 में। ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, 1964 में। और जो कामईचा किस राष्ट्र को मंगोनिया समुदाय के जो बजाते हैं, तो जो कामचा रहता है ये क्या, जो घोड़े के जो बाल रहते हैं उसे एक बजाने वाला वाद्यंत्र रहता है, उससे क्या बजाया जाता है, कामईचा किस वाद्यंत्र से समुदाय के लोग, तो जो राजस्थान के लोग हैं वो बजाते हैं। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में। अभी ऐशबाग स्टेडियम का नया नाम क्या हुआ है, कैलाश नारायण सांगथा। और हॉकी खेल कहाँ हुआ, 1931 में, वही भी भोपाल से है। सैलानी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सैलानी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, 1983 में। सैलानी जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में। किस शहर में पहली सिपरी के नाम से आयोजित किया, तो जो पहली सिपरी के नाम से आयोजित कौन है, सिपरी। और काकोरणा अभ्यारण कहाँ है, तो इस काकोरणा क्या है, डीनोटिफाइड हो चुका है, ये पहले एक अभ्यारण था पर अब डीनोटिफाइड हुआ, अभी अभ्यारण नहीं है, तो ये कहाँ है, सिपुरी में। कौन सा है, काकोनारण, ये कहाँ है, सिपुरी में। किस शहर में पहली सिपरी के नाम से जाना है, तो सिपुरी को क्या, सिपरी नाम से जाना जाता है।
बद्रोह जैन मंदिर स्मारक किस जिले में है? तो बद्रोह जैन स्मारक कहाँ है? विदिशा जिले में। सबसे अधिक चना उत्पादन कहाँ होता है? विदिशा में। विदिशा में और सरबती गेहूँ, एक तो सीहोर में सबसे अधिक उत्पादन होता है और एक विदिशा में भी गेहूँ, सरबती गेहूँ का उत्पादन होता है। उदयगिरी कहाँ है? वह भी विदिशा में है। खजुराहो जिले में स्थित है, तो खजुराहो कहाँ है? छतरपुर जिले में स्थित है। इसका तापमान सबसे अधिक कहाँ रहता है? खजुराहो में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ जो खजुराहो के मंदिर है? 1986 में। 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुए 1986 में। ये किस राजा के द्वारा बनवाए गए थे? तो ये चंदेल राजा वंश के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो के मंदिर। पेंच राष्ट्र उद्यान में कौन सा नहीं पाया जाता है? जो वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उसमें क्या? जिराफ नहीं पाया जाता। पेंच राष्ट्र उद्यान में जिराफ नहीं पाया जाता। भारत में किस राष्ट्रीय ऐप ने जो धोखाधड़ी से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया? तो वो जो टू कॉलर है उसने क्या लॉन्च किया? तो एक टू कॉलर है जिसने क्या धोखाधड़ी से संचालित IA लोग से संबंधित लॉन्च किया, तो इसने किसने किया? टू कॉलर ने किया। तो आज के अपने जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।